नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिलीगुड़ी टुडे में आप सभी के साथ उमाशा। न्यू ईयर के दिन जहां पर दुनिया भर में लोग जश्न में डूबे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक 16 वर्षीय बच्चे के घर में कुछ बदमाशों ने मिलकर पहले उसके साथ गैंगरेप, उसके बाद उसके हत्या की घटना को अंजाम दिया। यह घटना तब प्रकाश में आई जब पीड़िता के पिता ने 5 लोगों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। वही शिकायत के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। इस घटना से उक्त क्षेत्र में तनाव का माहौल देखा गया। नए साल के पूर्व संध्या पर 5 लोगों ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक 16 वर्षीय लड़की पर उसके घर पर हमला किया और उसका यौन उत्पीड़न कर उसकी हत्या कर दी। यह घटना तब प्रकाश में आई जब पीड़िता के पिता ने 5 युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने काफी हंगामा किया और आरोपी युवकों के घरों में तोड़फोड़ भी की। पीड़िता के पिता द्वारा दायर प्राथमिकी के अनुसार एक संदिग्ध ने उसे फोन किया और उसे सूचित किया कि उसकी बेटी का निधन हो गया। जब जल्दबाजी में घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी फर्श पर मृत पड़ी हुई है और उसके शरीर पर चोट के निशान है। घटना के बाद पीड़िता नाबालिग के पिता का कहना है कि ये पड़ोस के लड़के अक्सर उनके बेटे को छेड़ते और परेशान करते थे। पिता का कहना है कि वे उन आरोपियों को दंडित होते देखना चाहते हैं। जलपाईगुड़ी के एसपी विश्वजीत महतो के मुताबिक परिवार से विशेष शिकायत मिलने के बाद कथित आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस इस घटना की गहनता से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जिसे आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। हमने मजिस्ट्रेट से हिरासत में लेने के लिए कहा ताकि हम और अधिक शोध कर सके। हालांकि दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जलपाईगुड़ी के एसपी विश्वजीत महतो के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही हम मौत के सही कारणों का पता लगा पाएंगे।